अस्सलाम वालेकुम। तो बात करने वाले हैं कैसे आपने अपने अकाउंट को सेव करना है कि उसके अगेन लिंक वॉश ना हो जाए, अगर आपने न्यू अकाउंट लिया है या परचेज़ किया, जो भी सीन है कि जो बंदा वो अगेन रिकवर ना कर ले या उसको मीन के हैक स्कैम वाला कोई सीन ना बन जाए अकाउंट रिकवरी से अपील करके, कैसे आपने सेव करना वो सभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नंबर वन, जो अकाउंट लेना आपने लिंक वॉश के जिसके ऑलरेडी हुए हो ना वो आपने लेना, नले आपने यू आई डी जो इधर इंटर करनी है, स्टेटस चेक करना, सही है ना। नंबर वन पे ये आपने करना, नंबर वन वाला जो है तो इस पे ऐसे इंटर करके पजल जो है इसको स्लाइड करोगे तो ऐसा जो नोट्स है ना आपके सामने आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ मेड अ सक्सेसफुल क्लेम इन द लास्ट 3 मंथ, अनएबल टू मेक अ क्लेम। तो आपने ये अकाउंट ले लेना, सही है ना, ये अकाउंट ले लेना। आपने ये अकाउंट लेने के बाद आपने टीम पबजी वालों से बात करनी है, सही है ना, क्योंकि बंदा जो है ना जब बात करेगा तो अपील अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। 13 बॉक्स पे जो ईमेल ट्रांसफ़र मीन के वो जिस पे अकाउंट ट्रांसफ़र होता है वो उनको प्रोवाइड करनी होती है तो वो अगेन ओपन कर देते हैं, इसीलिए आपने रिजेक्ट करवानी है। रिजेक्ट कैसे करवानी है वो बता देता हूँ आप लोगों को, पहले दिखाता हूँ सभी कुछ। जैसे ही आप मेल करोगे उनको अपील अपॉर्चुनिटी ओपन कराने की, वैसे ही सही है, तो वो 3 जो है ना क्वेश्चन के आंसर के लिए जो है ना ऐसी मेल आ जाएगी, इनके आंसर देने हैं। तो आपने जो है ना ये यू आई डी वो जो अपनी आई डी परचेज़ की है उसकी यू आई डी भेज देनी, और ये जो मीन के 2 क्वेश्चन है ना नीचे वाले ये आपने रोंग उनको भेज देने हैं, सही है ना। रोंग कुछ भी अपने से मीन के जानबूझ के ना कोई भी स्क्रीन शॉट और ई मेल जो है ना ऐसी प्रोवाइड कर देनी है, जैसे करोगे वो आपकी क्लेम जो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट कर देंगे तो ऐसी जो ईमेल है ना आपको आ जाएगी, थैंक यू फॉर कंटेक्टिंग अस करेंगी योर इशू अपॉन रिव्यू द प्रीवियस कस्टमर सर्विस स्टाफ मेंबर हैज़ सबमिट अ क्लेम फॉर यू, करंटली द प्रोसेसिंग रिजल्ट इज रिजेक्टेड। तो ऐसी जो है ना ईमेल आ जाएगी, इसका मतलब जो रिजेक्ट होगी। अब जो बंदा ना जिससे आपने अकाउंट लिया वो अगर अपील अपॉर्चुनिटी ओपन करवाने की कोशिश करेगा तो ऐसी जो है ना वो बार बार मेल उसको भेज दिया करेंगे कि अपॉन रिव्यू प्रीवियस स्टॉक मेंबर हैज़ सबमिट अ क्लेम फॉर यू, करंटली द करंट प्रोसेसिंग रिजल्ट इज रिजेक्टेड। तो ऐसा जो है ना वो आ जाया करेगा, फिर वो उसकी एक भी सुनने नहीं वाले ओपन नहीं होने वाली अपील अपॉर्चुनिटी, इतना आपने कर देना है, सही है ना। नंबर वन जो वो क्लियर हो गया A to Z। नंबर टू जो है उसके लिए आपने जो फेक क्लेम करनी होती है आपने अपनी यू आई डी इंटर करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो पजल आएगी, इसको आपने स्लाइड करना है, इसके ऊपर फिट कर देना, फिक्स होगी ऐसे ही, तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये है इजी लेकिन ये रिस्की है, ऐसे ही आपने ना सबमिट की उसने मीन के उसको चांस मिल गया, मौका मिल गया, उसने जैसे फॉर्म फिल कर दिया तो आपका अकाउंट गया, सही है ना। ये सीन होता है जो बार बार रिजेक्ट जो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस से आपको मीन का फॉर्म फिल करना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है और मुश्किल भी है ईजी, सही है ना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट करवाते रहना, उसको मौका नहीं देना चाहिए। तो ये वाला सीन है, ये फॉर्म आपने जो है ना फिल करना होता है और बाद में मीन के आपने क्या करना है, ये नेम जो है ना अपनी आईडी का आपने 2 रीनेम कार्ड जो वो परचेज कर लेने हैं। 2 रीनेम कार्ड परचेज करने के बाद आपने सेम टाइम पे जल्दी से 2 दफ़ा नेम अपना चेंज कर देना, सही है। इससे ये होगा, एक नेम जो है वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी, सेकंडली आपने नंबर और ईमेल जो है वो चेंज करते रहना 2 दफ़ा, मीन के अपनी एक और ईमेल पे अकाउंट ट्रांसफर कर लें, चेंज कर लें और नंबर लिंक कर लें, इतना कर देना आपने, सही है। आप इतना कर लोगे आपकी आईडी की कुछ इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी और नेम भी चेंज हो जाएगा और आपने वैसे प्ले करते रहना अच्छे वाला हैवी वाला सीन, तो आपके जो है ना उसका काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, यूसी भी आपने परचेज कर लेनी है। तो ऐसे जो है ना आप अपना अकाउंट सेव कर सकते हैं, तो जो नंबर वन ना वो बेस्ट है, सही है ना, क्योंकि 3 मंथ आंखें बंद करके आप खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, तो 3 मंथ की इन्फॉर्मेशन वो काफ़ी होती है। तो जैसे ही 3 मंथ कंप्लीट हो आपने स्टेटस चेक कर लेना और आप खुद जो है ना लिंक वॉश कर लें, तो इसीलिए नंबर जो वन वो बेस्ट है। तो कोशिश किया करें कि नंबर वन वाला जो अकाउंट है वो परचेज़ करें, सही है ना। तो यही बताना था आप लोगों को, ऐसे आप लोग अपना जो अकाउंट है वो सेव कर सकते हैं। तो सही है, वीडियो करते हैं इधर ही एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।